हमीरपुर युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने भाजपा सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का क्या उद्देश्य था कि हिमाचल को क्वारंटाइन सेंटर वो बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि लगता है कि उसमें वे काफी हद तक सफल भी हो पाए हैं, क्योंकि पिछले एक महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में 150% कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसके कारण प्रदेश पूरे देश के अंदर पहले 7 स्थानों में आया है। अश्विनी कुमार ने आगे कहा कि हमीरपुर जिला की हालत इतनी दयनीय है कि 3-4 दिन तक RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ रही है। हालम ये है कि रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को जो टेस्ट लिए गए थे उनकी रिपोर्ट 4थे और 5वें दिन पहुंच रही है, और उनमें भी इतने ज्यादा लोग पॉजिटिव आ रहे हैं जो 3-4 दिनों से खुले में घूम रहे हैं, जिस कारण संक्रमण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इसमें नाकाम साबित हुआ है। अश्विनी कुमार ने कहा कि सरकार पहले ये बताए कि उन्होंने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रत्येक जिला में कितनी तैनाती की है, क्योंकि जहां तक देखा जाए तो मरीजों की गंभीर हालत के देखते हुए उन्हें या फिर IGMC शिमला रेफर किया जाता है या फिर मंडी के नेरचौक में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं कई ऐसे मरीज भी हैं जो रास्ते में ही मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की तैयारियां पूरी थी तो फिर विशेषज्ञ चिकित्सकों की हर जिला में तैनाती क्यों नहीं की गई। उन्होंने सरकार पर ढुलमुल रवैया अपनाने पर भी अफसोस जताया और कहा कि युवा कांग्रेस इसका विरोध जरूर करेगी। मुख्यमंत्री जी का क्या यही उद्देश्य था कि हिमाचल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए, तो लगता है कि वह इसमें काफी हद तक सफल होते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले एक महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में 150% कोरोना मरीजों की वृद्धि करते हुए पूरे देश के अंदर पहले 7 स्थानों पर कब्जा कर लिया गया है। पूरे देश में स्थिति भयानक होती जा रही है। मुख्यमंत्री जी कृपया करके हिमाचल पर ध्यान दें और संज्ञान लें जल्द से जल्द, नहीं तो युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरने पर गुरेज नहीं।